बीपीएससी ने स्कूल टीचरों के 1,70,461 पदों के लिए भर्ती निकाली, लेकिन इनके लिए देश भर से 8 लाख से ज्यादा आवेदन किए गए। परीक्षा सेंटरों पर अभ्यर्थियों की भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अभ्यर्थियों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। ज्यादातर परीक्षा केंद्रों पर बद इंतजामी देखने को मिल रही है। पटना हो या हाजीपुर, गया हो या नालंदा हो या फिर समस्तीपुर हो, बिहार के कई जिलों में परीक्षा सेंटर्स पर बेरोजगारों का मानो सैलाब आ गया है। कई परीक्षा केंद्र में बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होने की वजह से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। किसी भी सेंटर पर एडमिट कार्ड में गड़बड़ी की वजह से हंगामा हुआ। कुछ अभ्यर्थियों ने सिलेबस से बाहर के प्रश्न पूछे जाने का आरोप भी लगाया है। किसी किसी सेंटर पर इसको लेकर भी हंगामा हो रहा है। परीक्षा केंद्र जितने हैं, परीक्षा केंद्र वाले शहरों में होटल और जो लॉज बनाए जाते हैं उनमें जगह नहीं है। बिहार के अलग अलग जिलों में परीक्षा केंद्र से आ रही तस्वीरों ने बिहार सरकार की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। आप जहां भी जाएंगे, मेरे आसपास आप अपनी स्क्रीन देखिए, पटना, बेतिया, हाजीपुर, नालंदा, गया, सबकी तस्वीरें चल रही हैं। सब जिलों में यही हाल है। बिहार में फेल हुए हैं इंतजाम, कैसे होगा बीपीएससी का एग्जाम? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल हम नहीं खड़ा कर रहे हैं, बिहार सरकार की व्यवस्था ने इनकी पोल खोल कर रख दी है। बड़ी मुश्किल से तो बिहार में वैकेंसी आई, मुश्किल से तो समय पर एग्जाम करवाया जा रहा है। बिहार सरकार ने परीक्षा का आयोजन तो कर दिया है, लेकिन 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए सेंटर पर क्या इंतजाम है? सुनिए जरा, एग्जाम देने आए लोगों ने ही बद इंतजामी की पोल खोल कर रख दी है। देखिए, बायोमेट्रिक्स नहीं हुआ, हमको लोग तो पता ही नहीं था। हमारा IT 5-6 में जितना भी बच्चे थे उन लोगों को पता ही नहीं था। हम लोग को निकाल दिया गया बाहर, हम तो गेट पर रोड पर चले गए। रोड पर से वहाँ से पता चला बच्चों से ही, स्टूडेंट से ही, कि बायोमेट्रिक्स हुआ। तो वहाँ से दौड़ल दौड़ल आए तो यहाँ भीड़ लगी हुई थी। यहाँ सबको बोल रहे हैं तो बोल रहे हो भी नहीं रहा था। फिर दो चार गो का हुआ और फिर सर्वर डाउन हो गया, खत्म हो गया। 5 से 10 मिनट लेट हुए हैं, अंदर चले गए, वहाँ से हम लोगों को बाहर। क्या कहा गया, कारण क्या बताया? कहा गया अंदर लेने पर लेट गए, आप लोग कैसे लेट हो गए? हम लोग कहे कि सर हम लोग पैदल पैदल आ रहे हैं, सर क्या करें? जब वीडियोग्राफी कर रहे थे तो हम लोग का मोबाइल छीन लिया गया, वीडियो डिलीट कर दिया गया, हम लोग को डांटा भी गया ऊपर से मारने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और सर ऐसा हुआ है मारने के लिए भी सर अग्रसर हुए, बट सर उन लोगों ने मारा नहीं। ठीक है, हम क्या आया है, हम क्या आया सर हम लोगों को, ठीक है, और रहने कोई जगह नहीं है, स्टेशन नहीं है, स्टेशन नहीं है, बाकी रूम बुक हो गए, एक दो खाली तो होता है, 3-4 हज़ार रुपये। तो ये छात्रों की मजबूरी समझिए, इन छात्रों की मजबूरी महसूस करिए। मैंने भी देखा है बीपीएससी के एग्जाम में कई तो परीक्षा केंद्र पर ऐसे कमरे होते हैं जो पता नहीं 4 या 5 साल के बाद पहली बार खोले जाते हैं। धूल भरी होती है, पानी के इंतजाम नहीं होता, ये हर एग्जाम में होता है। और अब की बार तो जो तस्वीरें आई वो डराने वाली थी। बीपीएससी की परीक्षा में बद इंतजामी कैसी है, अब की बार का आपको बताते हैं डेटा और क्या क्या हो रहा है ये बता रहे हैं। सबसे पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जो छात्र खुद कह रहे हैं वहां पे मशीन खराब होती है, जो वहां के लोग होते हैं जो इनको परीक्षा कराने की जिम्मेदारी है वो छात्रों पे चिल्ला रहे होते हैं। जाम से परीक्षा केंद्र में पहुंचने में देरी होती है क्योंकि शहर जाम हो जाता है, ज्यादा लोग मनमाना किराया वसूलते हैं। कई छात्र तो वहां पे जो रिक्शा वाले हैं, जो ऑटो वाले, उनसे लड़ रहे होते हैं। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का नाम गलत है, अब गलती बीपीएससी वालों ने की है, भुगतना छात्र को पड़ता है। वो वहां पर खड़ा है, चिल्ला रहा है, लोग सुनने को तैयार नहीं है। कई बार तो यह होता, परीक्षा केंद्र वाले शहरों में होटल तक नहीं है क्योंकि छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, बेरोजगारों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। और यह समस्या देखने को मिलती है, फुटपाथ पर सोने को मजबूर है परीक्षार्थी। रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो प्लास्टिक की पन्नियां खरीद कर छात्र सोते रहते हैं, कहीं भी सो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि परीक्षा देकर चले जाना है। अभ्यर्थियों ने रेलवे स्टेशन पर रात गुजारी है, ये तस्वीरें देखी, कई रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आ रही है जो डराने वाली है, ये दिखाने वाली है कि बिहार में कैसे बद इंतजामी हो रही है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।